आरा नगर निगम की निवर्तमान मेयर रूबी कुमारी को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का समर्थन मिला है। इस दौरान आरा की एक होटल में प्रेस वार्ता कर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के नेता ने समर्थन देने का ऐलान किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में काराकाट विधानसभा के राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सह शिवपुर पंचायत के मुखिया अमित सिंह ने समर्थन का ऐलान किया। इस मौके पर निवर्तमान मेयर सह मेयर प्रत्याशी रूबी कुमारी के प्रतिनिधि राजा तिवारी भी उपस्थित रहे। अंगवस्त्र से सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। साथ ही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के नेता अमित सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज की ओर से मेयर पद के लिए निवर्तमान मेयर रूबी कुमारी को समर्थन किया जा रहा है। हम लोग इनके समर्थन में लोगों से इनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सर, आज के कार्यक्रम में पहुंचे, पहले कार्यक्रम में क्यों पहुंचे ये बता दिया जाए आराम में। जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में मेरा पहुंचने का मकसद है कि यहाँ के जो चुनाव हो रहा है इसमें हम राजा बाबा के समर्थन में पहुंचे हैं और जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव चिन्ह रेल का इंजन छाप है और मैडम का नाम रूबी, प्रत्याशी जो हैं उनका रूबी देवी नाम है, तो उनके समर्थन में हम पहुंचे हैं। और हम 3 बार से शिवपुर पंचायत के मुखिया हैं और काराकाट विधानसभा से राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य से चुनाव लड़े थे और 3रे नंबर पे थे, और अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, युवा का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं अपना समर्थन और अपने पूरे समाज का समर्थन बाबा को देता हूँ और देने का अपील करता हूँ। और यहाँ जितने भी मेरे नौजवान साथी और गार्जियन लोग आए हैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूँ और उन सभी लोगों को मैं ये कहता हूँ कि सभी लोग मिलके और हमारा समर्थन करें और हमारे बाबा को, यानी क्षत्रिय समाज की तरफ से जो है जी समर्थन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा संगठन साथ में है, रूबी देवी के साथ में है और हम सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद उनके साथ है। आज राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य के जो पहुंचे हुए मुखिया जी, उन्होंने भी आपको समर्थन किया, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैंने आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को नमस्कार प्रणाम करता हूं और खास करके विक्रमगंज से चल कर के आए हमारे बड़े भाई अमित सिंह मुखिया जी का अपने आरा की धरती पर, माता अरण्य देवी की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज यहां पर हजारों युवकों को बुलाया और बुला करके रूबी कुमारी रेल का इंजन छाप पर समर्थन देने के लिए सबको बोला और सभी लोगों ने इनकी बातों को और माना और कहा कि हम लोग आज से लगकर रूबी कुमारी को जिताने के लिए निरंतर रूबी कुमारी के साथ चल करके उनको जिताने का काम करेंगे। क्या और भी संगठन आगे आने वाले दिनों में जुड़ेंगे? निश्चित रूप से, अभी पूरे आरा का माहौल रूबी कुमारी के पक्ष में होते नजर आ रहा है और 1-2 दिन के अंदर और बहुत सारी संगठने हैं जो खुल करके रूबी कुमारी के समर्थन में आएंगी। रूबी कुमारी के समर्थन में आज 14 नंबर वार्ड से हम लोग हैं जी। हमारे वार्ड में एक भी रास्ता नहीं था, पूरा पूरी उपेक्षित था मोहल्ला। आज उस मोहल्ला में 14-15 काम हुआ है। हम लोग काम के आधार पर हम मोहल्लाबाजी तय किए हैं कि हम लोग वोट देंगे। बहुत बढ़िया काम हुआ है, जो जय गया किसी का काम बाकी नहीं रहा। कहाँ कराने वाले हैं आप? रामनगर है मोहल्ला। कौन सा वार्ड? 14 नंबर वार्ड है। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुरु नारायण सिंह है।